बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन। हेलो एंड वेलकम टू ओनली यूपीएससी जियोग्राफी की अगली क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में आपने बिंड्स पूरा पढ़ लिया था, ठीक है। इस क्लास में हम बात करेंगे जेट स्ट्रीम की। जेट स्ट्रीम क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सवाल खूब आते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं जेट स्ट्रीम क्या है। तो जेट स्ट्रीम को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और उसको जानने से पहले ये समझना होगा कि भू विक्षेपी पवन किसे कहते हैं, क्योंकि भू विक्षेपी पवन को बिना समझे आप जेट स्ट्रीम को नहीं समझ सकते हैं। तो भू विक्षेपी पवन ऐसे पवन को कहते हैं जो समदाब रेखाओं के समांतर बहती हैं, यानी कि ऐसी पवने जो समदाब रेखाओं के समांतर बहती हैं उनको भू विक्षेपी पवन कहा जाता है, ठीक है। तो भू विक्षेपी पवन का जो डेफिनेशन है वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे, ठीक है। अब जेट स्ट्रीम क्या है, तो जेट स्ट्रीम भी एक प्रकार का भू विक्षेपी पवन ही है, ठीक है। जेट स्ट्रीम भी यानी कि जेट प्रवाह भी एक प्रकार का भू विक्षेपी पवन है, लेकिन ये इसकी गति इतनी ज्यादा होती है, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसकी वजह से इसको जेट स्ट्रीम नाम दे दिया गया। इसका जो आविष्कार हुआ या इसका जो खोज हुआ ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। तो उस वक्त जब बहुत सारे फाइटर प्लेन ये सारी चीजें उड़ रही थी, तो उस वक्त जेट जो ये जेट स्ट्रीम है इनकी वजह से उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही थी बहुत। तो पता लगाने की कोशिश की गई कि कौन सी ऐसी चीज है, तो निकल करके आया जेट स्ट्रीम यानी कि जेट प्रवाह, ठीक है। तो अब जेट प्रवाह क्या है इसको समझते हैं। भू विक्षेपी पवन समदाब रेखाओं के समांतर जो पवन बहती है उसको भू विक्षेपी पवन कहा जाता है, और जेट प्रवाह भी एक प्रकार का भू विक्षेपी पवन ही है, ठीक है। लेकिन इसकी गति ज्यादा होती है इसीलिए इसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, ठीक है। अब जेट प्रवाह के बारे में देखते हैं। तो जो जेट प्रवाह है आपका वो क्षोभ मंडल में 8 से 12 किलोमीटर के बीच में ये बहता है। क्षोभ मंडल में 8 से 12 किलोमीटर के बीच में ये बहता है, ठीक है। इसकी गति जो है वो करीब 100 से लेकर के 500 किलोमीटर पर आवर होती है। आप कल्पना कीजिए कि भारत में जो ट्रेनें हैं वो अधिकतम 160 या 170 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल पाती हैं, ठीक है, जो बहुत अच्छी चलती हैं। और जेट स्ट्रीम की जो चाल है वो 100 से लेकर के 500 किलोमीटर पर आवर होती है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी तेज होती है, इसकी गति कितनी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसका जो चौड़ाई है, इसका चौड़ाई और जो इसकी मोटाई है वो बहुत ही व्यापक होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसकी चौड़ाई करीब 40 किलोमीटर से लेकर के 160 किलोमीटर के आसपास होती है। इसकी चौड़ाई जो है वो 40 किलोमीटर से लेकर के 160 किलोमीटर के आसपास होती है, यानी कि आप इस तरीके से समझिए कि 40 किलोमीटर या 160 किलोमीटर जब आप कवर करते हैं डिस्टेंस किसी वाहन से, उतनी चौड़ाई में ये बहती है। और स्पीड क्या है इसकी, स्पीड इसकी है 100 से 500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये है जेट स्ट्रीम आपकी। जेट स्ट्रीम जो है ये जब सूर्य उत्तरायण होता है तो ये उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, उत्तर की मतलब उत्तरी गोलार्ध में, और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो ये दक्षिण गोलार्ध में शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये है पूरा जेट स्ट्रीम। अब जेट स्ट्रीम के प्रकार की भी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इनसे कई बार सवाल आते हैं। अब चूंकि जेट स्ट्रीम बहुत तेजी से हवा का जो यानी कि एक वायु राशि जो बहुत तेजी से बहती है, तो डेफिनेटली इसका जो प्रभाव है वो मानसून और जलवायु पर भी पड़ता है, ठीक है, पड़ेगा ही। क्योंकि आप जानते हैं कि मानसून हो या क्लाइमेट हो, ठीक है, जलवायु हो या मानसून हो, ये क्या है, ये हवा और पवन के सहारे ही चलती हैं।
तो अगर कोई व्यापक वायु राशि इस तरीके से बह रही है तो उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए जेट प्रवाह को यानी कि जेट स्ट्रीम को मानसून परिवर्तन का कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसून परिवर्तन का कुंजी, मानसून परिवर्तन की कुंजी, क्योंकि इसकी वजह से मौसम परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से मौसम परिवर्तित हो जाता है। अब देखते हैं इसके प्रकार के बारे में। इसके प्रकार से कई बार सीधे सीधे सवाल आते हैं, तो इसकी जो प्रकार हैं वो चार प्रकार हैं, ठीक है। कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार होते हैं। ध्रुवीय रात्रि जेट जो कि 70 डिग्री से लेकर के और 70 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 70 डिग्री साउथ, यानी कि दोनों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में ये बहती हैं। दूसरी है आपकी ध्रुवीय वाताग्री जेट जो कि 30 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ में बहती है। तीसरी है आपकी उपोष्ण पछुआ जेट। क्या है? उपोष्ण पछुआ जेट जो कि 25 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ में बहती है। उपोष्ण पछुआ जेट का भारतीय मानसून पर उल्टा प्रभाव पड़ता है, यानी कि ये भारतीय मानसून के लिए अच्छा नहीं होता है। देखिए, ये जो मैं साइड में बातें बताता हूँ, चलता हूँ, यह आपके समझ को विकसित करती है, तो इसको आप भूल जाएंगे। अभी मैं बता रहा हूँ तो आपको याद है, इसको साइड में आप नोट डाउन कर लिया कीजिए, क्योंकि नोट्स का यही मतलब होता है कि जो और चीज़ों को समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जो बहुत सारी बातें, बहुत सारे तथ्य जोड़े जाते हैं, उनको एकत्रित करके रखना, ताकि समझ आपके धीरे धीरे उस नोट से विकसित हो सके, ठीक है। तो जो उपोष्ण पछुआ जेट है ये भारतीय मानसून के लिए अच्छी नहीं होती है। चौथी है आपकी उष्ण कटिबंधी पूर्वी जेट। देखिए, ये स्पेशल है। उष्ण कटिबंधी पूर्वी जेट जो है वो स्पेशल है, क्योंकि ये दोनों गोलार्ध में नहीं बहती है। बाकी जो तीनों हैं ये दोनों गोलार्ध में बहती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, पूरे पृथ्वी पर ये सालों भर चलती हैं। ये जो ऊपर की तीनों जेट होती हैं, जेट स्ट्रीम होती हैं, ये पूरे पृथ्वी पर सालों भर चलती हैं, और इनकी दिशा क्या होती है? पश्चिम से पूर्व होती है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट होती है। लेकिन जो आपकी ये चौथी यानी कि उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट जो है, इसकी दिशा जो है वो पूर्व से पश्चिम होती है, यानी कि इन तीनों के विपरीत होती है, और ये केवल गर्मी के मौसम में चलती है और उत्तरी गोलार्ध में ही चलती है, ठीक है। तो जो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट है ये बाकी तीनों जेट से डिफरेंट है, ठीक है। तो ये चार प्रकार की जेट स्ट्रीम होती हैं, इनसे कई बार सवाल आए हैं। और ये जो वाताग्री जेट, जो ध्रुवीय वाताग्री जेट है, इसको भी आप आगे और पढ़ेंगे, जब आप वाताग्र पढ़ रहे होंगे वहाँ पर इसको, इस पर जो है विस्तृत में चर्चा की जाएगी। यहाँ पर बस इसके कैटेगरी को आपको जानना था। तो ये था पूरा ध्रुवीय जेट प्रवाह, जेट स्ट्रीम इसी को कहते हैं। तो एक बार ब्रीफ कर दे रहा हूँ, उसके बाद में हम क्लास खत्म करते हैं। जेट स्ट्रीम क्या होता है? जेट स्ट्रीम एक भूविक्षेपी पवन है। भूविक्षेपी पवन वह पवन होता है जो समदाब रेखाओं के समांतर बहता है। जेट प्रवाह 8 से 12 किलोमीटर के बीच में जो है क्षोभ मंडल में बहता है। इसकी गति अत्यधिक होती है, 100 से 500 किलोमीटर के आसपास इसकी गति होती है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और 40 किलोमीटर से लेकर के 160 किलोमीटर के बीच में इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। और चूंकि ये मानसून एवं जलवायु को बहुत ही व्यापक स्तर पर प्रभावित कर सकते हैं, इसीलिए इनको मौसम परिवर्तन का या मानसून परिवर्तन का कुंजी कहा जाता है, ठीक है। और इनका जो प्रकार है वो आपने यहाँ पर देख लिया, ध्रुवीय रात्रि जेट, ध्रुवीय वाताग्री जेट, उपोष्ण पछुआ जेट और उष्णकटिबंधीय जेट। इसकी ये जो जो है इसका जो विस्तार है उसको आप जरूर लिख लेंगे, साथ ही साथ ये जो तीन की कैटेगरी है इनका जो गुणधर्म है इसको लिख लेंगे, और ये जो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट है
इसका भी जो गुणधर्म है उसको आप लिख लेंगे, हो सकता है इससे डायरेक्ट सवाल आ जाए। यूपीएससी ने इससे कई बार सवाल पूछा है, तो हो सकता है कि पुनः इससे सवाल वो पूछे। तो ये था आपका पूरा पूर्वी जेट प्रवाह, ठीक है, जेट प्रवाह था। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो कि वर्षण होगा। वहां पर आप आर्द्रता समझ पाएंगे, वर्षण समझ पाएंगे, यह समझ पाएंगे कि बादल कैसे बनते हैं, संघनन क्या होता है, वो सारी चीज समझने के लिए आपको अगली क्लास का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट कीजिए, अपने सवाल पूछिए, उसका जवाब हम जरूर देंगे। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देखिए कुछ भी नहीं लगता, एकदम जीरो रुपया लग रहा है, यानी कि कुछ भी नहीं लग रहा है। आप सीधे जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्लास आपको रेगुलर बेसिस पर मिल रही है, यूपीएससी को कोई फ्री में नहीं पढ़ाता है, बस केवल ओनली यूपीएससी पढ़ाता है, ठीक है। तो और कहीं पर भी नहीं मिलेगा, आप जाएंगे एक आध क्लास वो आपको देंगे, उसके बाद में आपसे पैसे मांगेंगे। तो इससे बेहतर ये है कि आप घर पर मुफ्त में शिक्षा का लाभ उठाइए और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपका फायदा हो रहा है तो अन्य लोगों का भी फायदा हो, जहां तक ओनली यूपीएससी नहीं पहुंच पाया है, ये काम आपका है। बाकी आपके लिए एक जानकारी है कि आप लगातार हमसे करंट अफेयर्स की बात कर रहे थे कि करंट कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, तो इसके लिए हम लोगों ने एक मैगजीन लॉन्च किया है, जिसका ऐड आपको दिखा होगा वीडियो के शुरुआत में और लास्ट में भी दिखता है। तो बहुत ही जल्द वो मैगजीन आने वाली है, जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में एकदम फ्री, एक भी पैसा नहीं लगेगा उसका, वो आपको मिलेगा। वहाँ पर आप देश दुनिया से संबंधित आर्टिकल को समझ पाएंगे, उससे अपनी करंट की नॉलेज को बेहतर कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।